गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगले ट्यूटोरियल में आज हम केमिस्ट्री का एक वीडियो देखेंगे। इसमें बेंजीन की इलेक्ट्रॉन इसमें ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में अपन पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बेंजीन, बहुत सारी अभिक्रियाएं दर्शाता है। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो अभिक्रिया है वो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मतलब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन स्नेही अटैक करेगा और एक इलेक्ट्रॉन स्नेही को बाहर निकालेगा। प्रतिस्थापन कर रहा है सब्स्टिट्यूशन। तो देखते हैं बेंजीन होता क्या है। ये वाली स्ट्रक्चर बेंजीन है अपनी। बेंजीन में हमें पता है कि सब जगह हाइड्रोजन रहते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब हम इन सब में एच 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 है, यहाँ पे कार्बन कार्बन है। हम कोई एक इलेक्ट्रॉन इसमें ही लेंगे। इलेक्ट्रॉन इसमें ही, जैसा कि नाम से लग रहा है कि इसको इलेक्ट्रॉनों की नीड है, यानी ये ऐसी जगह पर अटैक करेगा जहां पे ऋणावेश ज्यादा हो, जहां पे माइनस इसे मिल सके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें खुद पे धनावेश है या इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये वहां जाना चाहेगा जहां इसे ऋणावेश ज्यादा मिले। हमें पता है बेंजीन में 3 पाई बंध है, यानी इलेक्ट्रॉनों का घनत्व है इस बेंजीन में सब जगह, तो ये यहां पर जाने की प्रवृत्ति रखेगा, टेंडेंसी रखेगा। अब अगर ये E प्लस यहाँ जुड़ता है तो किसी H प्लस को हटाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें ही आएगा तो इलेक्ट्रॉन इसमें ही को ही हटाएगा। अब हम देखते हैं कि ये एक्चुअली होता कैसे है। होगा तो ये शॉर्टकट में तो हम ये कह सकते हैं कि कोई एक H हटेगा और उसकी जगह एक E लगेगा। सपोज ये ऊपर वाला H हट गया और उसकी जगह E आ गया। E जहां इलेक्ट्रॉन इसमें ही है और यहाँ E आया तो एच प्लस हट जाएगा। तो ये वाली तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। इसकी क्रियाविधि अब हम देखते हैं कि एक्चुअली इसमें होता कैसे है। जैसे यहाँ सी ए प्लस है तो यहाँ क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। एनओ टू प्लस अगर होता तो यहाँ नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। आई प्लस होता तो आयोडोबेंजीन बन जाएगा। वो हम एक डिफरेंट वीडियो में देखेंगे कि एनओ टू प्लस कैसे बनता है, सी ए प्लस कैसे बनता है। फिलहाल हम मान के चल रहे हैं कि ई प्लस हमारे पास रेडी है। तो देखते हैं कि ये बना कैसे। तो सबसे पहले ये देखा जाए कि ये बेंजीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हो सकता है। हम ये कहते हैं कि ये E प्लस एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इसकी उपस्थिति में इसमें कोई पाई बंध शिफ्ट होगा। मान लो ये पाई बंध शिफ्ट हुआ, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव से कहा जाता है, तो ये पाई बंध शिफ्ट हुआ ऐसे मान लेते हैं। तो यहां से इलेक्ट्रॉन गया है इसलिए इस पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए हैं, पाई बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन आए हैं तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये इस तरह से बन जाएगी बेंजीन वाली स्ट्रक्चर। मैं डबल बॉन्ड्स को दिखा रहा हूं, बस इन हाइड्रोजन को नहीं दिखा रहा हूं जिनकी जरूरत नहीं पड़ रही होगी, लेकिन इन हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी तो इन्हें यहां पे शो कर देता हूं। यहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं यानी इस पर प्लस आएगा, और यहां पे इलेक्ट्रॉन आए हैं मतलब इस पे लोन पेयर और एक माइनस आए। ओके, अब इस लोन पेयर वाले माइनस पे इलेक्ट्रॉन इसने ही अटैक करेगा, क्योंकि इसे चाहिए इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो यहीं का आकर अटैक करेगा। तो यहां का आकर अटैक करेगा तो इसकी सिचुएशन कैसी बनेगी देखते हैं। वैसे कुछ यहां पे एच है, यहां पे ई भी आ गया। अब क्योंकि यहां पे ई आ गया और यहां पे एच है, ये सिचुएशन ऐसी है। अब देखो ये वाले स्थिति में इस वाले कार्बन के संयोजन का वापस से 4 है, यहाँ पे प्लस है इस वाले कार्बन के संयोजन का 3 ही है। ये कार्बन का जो स्ट्रक्चर में थोड़ा अनस्टेबल है, यहाँ पे अनस्टेबल इसलिए क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसका पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का काम हो चुका है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिला, इसकी वजह से यहाँ पे इसलिए मिला क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए हैं। ये चाहेगा कि चलो यार इसकी हेल्प वापस कर दी जाए, यानी कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म कर दिया जाए। तो ये एच जो है वो अब यहाँ पे आ जाएगा, एच वाला बॉन्ड, और एच प्लस बन जाएगा और इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी ऐसे। क्योंकि एच हटा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आया तो यहाँ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है मतलब प्लस गायब हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा ओनली ई। तो देखिए एक्चुअली हुआ क्या और निकलेगा क्या, एच प्लस। एक्चुअली हुआ क्या, यहां से एच प्लस निकला और यहाँ पे ई आ गया, तो इसी को हम इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं। यहां से भी हम ये वाला सीन कर सकते थे, ये वाला एच हटा दे तो यहाँ ई आ जाता, ये वाला एच हटा दे तो यहाँ ई आ जाता, ठीक है।
तो ये हो गई बेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। थैंक यू।